औरंगाबाद में रफीगंज थाना क्षेत्र के ठाकुरार गांव में आपसी रंजिश में हुई मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की पटना में इलाज के दौरान आज मौत हो गई है। मृतक का शव घर पहुंचते ही वहां मातम पसर गया। बाद में आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रख शिवगंज बस स्टैंड के पास सड़क को जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जाम की सूचना पाकर रफीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें काफ़ी समझाया बुझाया और 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन उन्हें दिया। तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और सड़क जाम हट सका। इस बीच लगभग 1.5 घंटे तक छोटी बड़ी कई गाड़ियां इस जाम में फंसी रहीं। गौरतलब है कि 13 मई की रात को ठाकुरार गांव में हुई मारपीट की घटना में राजा राम शर्मा एवं उनका पुत्र पवन शर्मा घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज लाया गया था, जहाँ पवन की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे गया रेफर कर दिया था। मुजरिम था सर बेकसूर जो मुजरिम था उसको पुलिस प्रशासन आके बोल रही थी कि हमसे मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। तो जो भी मेरे रिश्तेदार लोग थे मेरे को लोकेशन पता लगा, मैं पकड़ने गया तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सर ऐसा ऐसा है, हम पकड़ के आपको हवाले कर देते हैं। 10 बजे तक के टहलाया गया, उसका रिकॉर्डिंग है। ये पुलिस प्रशासन क्या बोल रही है कि आप लोग क्यों पकड़िएगा, हम पकड़ रहे हैं। जब सुबह में मैं पूछ रहा हूँ कि सर वो मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ा गया, तो ये थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर मुकेश साहब जो है इन्होंने क्या बताया कि भाई आंधी तूफान था इस वजह से हमने नहीं पकड़ पाया।